नमो नम, आपका स्वागत है वैदिक जीवन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोगों देखेंगे दूसरा पार्ट, जो पहला वीडियो हम लोगों ने बनाया था ऑर्डर करने का, जो geetapress.org वेबसाइट से जो पुस्तक हम लोगों ने ऑर्डर की थी वो आ गया है ये पार्सल। तो अब देखेंगे क्या पुस्तक आया है, कैसे आया है। तो ये दो पार्ट में वीडियो हो गया। पहला पार्ट जो होगा वो ऑर्डर करने का प्रोसेस पूरा दिखाया हम लोगों ने आपको कि कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में ये पुस्तक जो आई है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर आपने देखा नहीं है कि कैसे ऑर्डर किया गया है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि पुस्तक को गीता प्रेस की वेबसाइट से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। पूरा वीडियो है रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक। तो चलिए आरंभ करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। गीता प्रेस की पैकिंग तो बहुत अच्छी होती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा हुआ है। तो और ये पूरा सेलोटेप अच्छे से लगा हुआ था कॉर्नर्स पे। ये देखिए, ये है पुस्तक, ये कुछ और पुस्तक है, और ये बिल है इसका, और ये है बिल। देख सकते हैं दो पुस्तकें हम लोगों ने मंगाई थी, एक है नरसिंह पुराण 120 रुपए की है, और ये श्री लक्ष्मी सहस्त्र स्तोत्रम ये 15 रुपए की। दो पुस्तकें हम लोगों ने मंगाई थी इस ऑर्डर में, और ये पूरा 185 का ऑर्डर था। तो ये हो गया बिल। श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम स्तोत्रम, छोटी सी पुस्तक, इसको भी देखते हैं। और ये हमारा श्री नरसिंह पुराण। तो धागा थोड़ा निकला है, इसको काट लेते हैं। तो ये है हमारा श्री नरसिंह पुराण, हार्ड बुक बाइंडिंग में है। इसका माप देख लेते हैं, इसका माप है 7.5 इंच चौड़ा ही है, और जो इसकी लंबाई है वो है 11 इंच। बैक साइड इसका ऐसा है, फ्रंट ऐसा है। पुस्तक कोड है 1113, सचित्र हिंदी अनुवाद सहित, और ये पुस्तक आती है गीता प्रेस गोरखपुर से, जैसा कि आप जानते हैं। अंदर देखते हैं, आप देख सकते हैं पुस्तक का मूल्य 120 रुपए। साथ में कुल पन्नों की संख्या देख लेते हैं, तो कुल पन्ने इसमें हैं 302। और ये है विषय सूची, ये इसमें अध्याय दिए हुए हैं, प्रथम अध्याय आपका यहाँ देख सकते हैं ये है, और कुल ये 68 अध्याय दिख रहे हैं। कुल अध्याय जो है, मैं दिखाता हूँ, अंतिम अध्याय जो है, ये 68वां अध्याय, ये अंतिम अध्याय है। कुल 68 अध्याय हैं इसमें। संस्कृत श्लोक, उसकी व्याख्या, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है हिंदी अनुवाद सहित,
तो ये है संस्कृत श्लोक है, उसकी व्याख्या। अभी जो पहला अध्याय है, प्रयाग में ऋषियों का समागम, सूत जी के प्रति भारद्वाज जी का प्रश्न, सूत जी द्वारा कथा आरंभ और सृष्टि क्रम का वर्णन, ये आपका अध्याय का शीर्षक हो गया। और ये इसमें श्लोक और उसकी व्याख्या, इस प्रकार से ये जो श्री नरसिंह पुराण है हिंदी अनुवाद सहित, पुस्तक का कोड है 1113, इसमें 68 अध्याय हैं। एक छोटा सा वीडियो था ये, इसका भविष्य में विस्तार से वीडियो बनाएंगे कथाओं पे। तो कैसा लगा ये वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये जो पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया था पुस्तक को ऑर्डर करने का, दो पार्ट में ये वीडियो है, ये दूसरा पार्ट है। तो अगर ये पूरा देखेंगे तो आपको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं गीता प्रेस से पुस्तकों को, उसका पूरी विधि आपको पता चल जाएगी। और ये जो पुस्तक है मैं एज ए गिव अवे देना चाहता हूँ इस चैनल पे। तो अभी सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि इस गिव अवे का एक शर्त ये है कि मुझे इस वीडियो पे मात्र और मात्र 1000 लाइक्स चाहिए। जैसे ही हमारा 1000 लाइक्स इस वीडियो पे पूरा हो जाएगा तो इस पुस्तक का, इस पुराण का, श्री नरसिंह पुराण का गिव अवे करूँगा। और कोई भी लकी सब्सक्राइबर, उनको ये पुस्तक उनके पते पे मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो को, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, और मौका पा सकते हैं आप ये पुस्तक प्राप्त करने का निःशुल्क, आपके घर के पते पे ये पहुंच जाएगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।